हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट डाला था, तो चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन था। IF7 में संकरण है, तो IF7 में संकरण कैसे निकालते हैं? IF7 में आयोडीन है 7वें ग्रुप का, 7 क्लोरीन जुड़े हुए, 14 14/2 किया तो 7 ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइज होता है sp3d3। ठीक है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अणु की पिरामिडीय आकृति होगी? तो देखो, पिरामिडीय आकृति है वो pcl3। pcl3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। sp3 की जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलक के। इसके अंदर फास्फोरस सेंट्रल एटम और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और आपको गैसीय के अकॉर्डिंग इसको शेप बतानी थी। तो देखो, यहाँ पे क्या है, ये लॉन पेयर एक परमाणु का, मैं तो इसी जगह लॉन पेयर लगा दिया। और ये जो आपकी शेप बनेगी ये कैसी होगी? पिरामिडीय शेप होगी। ठीक है, ये पिरामिडीय शेप होगी। तो इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, PCl3। चौथा देखो, निम्न में से किन अणुओं के सभी बंध समान नहीं है? तो देखो, सभी बंध समान नहीं है। AlF3 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एल्यूमिनियम है। कौन से ग्रुप का है? तीसरे का, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो 6/2 किया था 3 पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। दूसरा ऑप्शन था NF3, फिर CLF3। CLF3 के अंदर देखो, ये CLF3 क्लोरीन है, वो कौन से ग्रुप का है? 7वें ग्रुप का, और 3 क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन। 10/2 किया तो 5 ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d। sp3d की जो शेप होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और इसके अंदर 1 क्लोरीन और क्या जुड़े हुए हैं? 3 फ्लोरीन। तो इसकी जो शेप होती है वो टी शेप होती है। अब टी शेप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, कि इनके और इनके बीच में तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे इनके और इनके बीच में कितना होता है? 120 डिग्री। तो मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सभी बॉन्ड एंगल समान नहीं होते हैं। इसके अंदर कितना होता है? 90 डिग्री और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। पांचवा देखो, एथीन में बंध कोण है, तो एथीन के अंदर जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। देखो, एथीन ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे हाइड्रोकार्बन आए या ऑर्गेनिक कंपाउंड आए तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि यदि एक भी पाई बॉन्ड नहीं आए, एक जीरो पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड यदि जीरो हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि एक पाई बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यदि दो हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है कि यदि पाई बॉन्ड की संख्या जीरो है तो sp3 संकरण होगा, यदि पाई बॉन्ड की संख्या एक है तो sp2 संकरण होगा, और यदि पाई बॉन्ड की संख्या दो है तो sp। अब इसके पास आपको पता है कि पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण कौन सा हुआ? sp2। तो sp2 संकरण के अंदर जो बंध कोण है वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, छठवां देखो, एथिलीन अणु में कार्बन परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये आपका एथिलीन अणु होता है, इसके पास जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो इसी के साथ में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सातवां देखो, एक यौगिक जिसका संरचना सूत्र, देखो मैं लिखता हूं, एक यौगिक जिसका संरचना सूत्र ये दे रखा है आपको, संरचना सूत्र दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड CH। ये आपके एक संरचना सूत्र दे रखा है, इसमें दे रखा है कि चारों कार्बन संकरण का प्रकार बाएं से दाएं होगा, मतलब इधर से इधर का संकरण पूछ रहा है। तो देखो, आपको बताया है कि यदि कार्बन से एक भी पाई बंध नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। तो ये वाला कार्बन है, sp3 संकरण होगा। इससे एक पाई बंध इधर जुड़ा हुआ है, इधर तो सिग्मा बंध जुड़ा हुआ है लेकिन इधर पाई बंध जुड़ा हुआ है,
तो ये संकरण कौन सा हुआ, sp2 इस वाले कार्बन का। अब इस वाले कार्बन का देखो, इधर एक पाई बंध ये जुड़ा हुआ है, एक पाई बंध ये जुड़ा हुआ है, तो इसके पास कितने हो गए टोटल पाई बंध, 2। तो इसके पास संकरण कौन सा होगा, sp। अब देखो इस वाले कार्बन के पास एक पाई बंध जुड़ा हुआ है और एक सिग्मा, तो इसके संकरण कौन सा हुआ, sp2। तो इस तरीके से इसके अंदर जो ऑप्शन था आपका sp3 sp2 sp sp2 ये सी ऑप्शन था। आठ में देखो, निम्न में से कौन से अणु के केंद्र परमाणु में sp2 संकरण होता है, तो sp2 संकरण है ये BCl3 के अंदर होता है, बोरोन 5 तीसरे ग्रुप का और 3 ही क्या जगह है क्लोरीन, तो 6/2 किया तो 3 कक्षक और 3 भाग लेते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है sp2। बंध कौन होता है इसके अंदर 120 डिग्री, तो BCl3 होता है, ठीक है। नवा देखो, वह युग्मक जिसकी ज्यामिति समान है, तो ज्यामिति समान होती है देखो CH4 और CCl4 जो ऑप्शन है इसके अंदर, जो हाइब्रिडेशन है दोनों के अंदर कौन सा है sp3, इसके अंदर भी आपका sp3, तो दोनों की जो ज्यामिति है वो क्या होगी, समान होगी। दसवां देखो, PF5 अणु की संरचना है, तो PF5 इसके अंदर संकरण निकालेंगे तो 5 ग्रुप का और 5 का जुड़ा हुआ है इसके अंदर फ्लोरीन, तो 10/2 किया तो 5 पार्टिसिपेट करते हैं तो sp3d संकरण, और sp3d संकरण के अंदर जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है, या ऐसी को त्रिभुज द्विपिरामिडीय बोल देते हैं। 11 देखो, निम्न संकरणों में सर्वाधिक s% गुण है, तो s% सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, sp के अंदर होते हैं, उसके बाद में sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम, sp2 में sp में सबसे ज्यादा 50%, इसमें 33.33% और इसके अंदर 25%, ये इस तरीके से s% गुण होते हैं इनके अंदर, ठीक है। फिर 12वां देखो, 12वां है PCl5 अणु निम्न संकरण का परिणाम है, तो PCl5 जिस तरीके से PF5 होता है उसी तरीके से PCl5 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d संकरण होता है। 13वां देखो, कौन सा अणु समतलीय है, तो देखो समतलीय अणु कौन सा होगा, एक आपको CH4 दे रखा है, चतुष्फलकीय होता है, C2H6 के अंदर यदि हम बात करें तो कैसा होगा, C2H6 ये आपका कार्बन, ये कार्बन और ये, तो कैसा होगा, ये भी चतुष्फलकीय होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है, तो sp3 के अंदर क्या होता है, चतुष्फलकीय। NH3 के अंदर भी चतुष्फलकीय है, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, पिरामिडीय। फिर हम बात करते हैं C6H6, देखो C6H6 जो बेंजीन होता है, बेंजीन ये बेंजीन है, इसके अंदर जो संकरण होता है वो होता है sp2, sp2 संकरण होता है, बेंजीन ऐसे बनता है आपको पता है कि ये ऐसे, तो इन सभी के पास एक एक पाई बॉन्ड होता है, इसलिए सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, और sp2 संकरण जब होता है तो बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री, और इसकी ज्यामिति क्या होती है, समतल त्रिकोणीय, क्या होती है, समतलीय त्रिकोणीय। तो यहाँ पे यही था कि कौन सा अणु समतलीय है, तो बेंजीन जो होता है वो होता है समतल होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर संकरण कौन सा होता है, sp2, ठीक है। 14 देखो, निम्नलिखित संकर कक्षकों में से 120 डिग्री कोण पर बनाने वाला संकर ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर आपका sp2 संकरण होता है जो 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स के अंदर होते हैं। 15 देखो, BeCl2 BCl3 तथा CCl4 देखो कौन कौन से आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो एक तो दे रखा आपको BeCl2, एक BCl3 और एक CCl4, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अंदर पूछ रहे हैं कि संकरण क्या होगा केंद्रीय परमाणु का, तो देखो बेरिलियम कौन से ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, और क्लोरीन 2, क्लोरीन जुड़े हुए 4/2 किया तो संकरण कौन सा हुआ, sp। BCl3 बोरोन तीसरे ग्रुप का और 3 क्लोरीन जुड़े हुए 6/2 किया तो 3 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण sp2, ये इसके अंदर कौन सा होगा, फिर sp3 होगा।
कार्बन चौथे ग्रुप का, चार क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो आठ में से दो के तो चार, चार के संख्या यदि भाग लेते हैं तो संकर कौन सा होता है sp3, तो इसके अंदर आपका sp2 sp3। सोलवा देखो NH3 में केंद्रीय परमाणु का संकरण है, देखो NH3 के अंदर केंद्रीय परमाणु का संकरण पूछ रहा है तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का, पांचवी का, तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो आठ बटे दो के तो चार, चार कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो संकरण कौन सा होगा sp3 होगा। फिर सत्रहवा देखो निम्न में से कौन सा यौगिक रेखीय नहीं है, कौन सा यौगिक रेखीय नहीं है ये बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे है जो SnCl2 है इसके अंदर क्या है कौन से ग्रुप में आता है चौथे में, और दो क्या जुड़े हुए हैं इससे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है दो क्या जुड़े हुए हैं क्लोरीन, काशी गए संत प्रभु चौथे ग्रुप का और दो क्या जुड़े हुए हैं क्लोरीन, तो छह बटे दो क्या तो तीन, तीन कक्षक यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो संकरण कौन सा होता है sp2। ये कह रहा था कि कौन सा यौगिक रेखीय नहीं है, देखो CO2 होता है आपका CO2, CO2 के अंदर क्या है कार्बन चौथे ग्रुप का और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो दो कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो sp कैसा होता है रेखीय होता है, और एक दे रखा था आपका HgCl2 तो HG भी आपके कौन से ग्रुप का है सेकेंड बी का, तो दो और दो क्लोरीन जुड़े हुए चार, चार में जो दो क्या तो दो, दो भी क्या करते हैं sp तो ये भी रेखीय होगा, तो SnCl2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2, इसलिए ये रेखीय नहीं बनता है। अठारहवां देखो अमोनियम आयन है, देखो अमोनियम आयन कैसा होता है NH4+, ये अमोनियम आयन नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप का, चार का जुड़े हुए हाइड्रोजन पांच चार नौ और एक क्या है आवेश है तो माइनस क्या पांच चार नौ और माइनस एक तो आठ बटे दो क्या तो चार, चार कक्षक यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो संकरण कौन सा होता है sp3, ये संकरण कौन सा होता है sp3, और sp3 की जो ज्यामिति वो क्या होती है चतुष्फलक की होती है, तो इसके अंदर अमोनियम आयन कैसा होता है चतुष्फलक की। उन्नीसवां देखो Al3 में पाया जाने वाला संकरण है, देखो Al3 आयोडीन सातवें ग्रुप का, तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, दस बटे दो किया तो ये पांच, पांच कक्षक भाग लेते हैं तो sp3 डी संकरण होगा। बंध कोण न्यूनतम है, देखो बंध कोण के लिए आपको दो चीजें मैंने बताई थी, जब बॉन्ड एंगल निकालना होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखो आपको दे रखे हैं ये कौन से ग्रुप के हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपका H2O H2S, उसके बाद में H2SE और H2PE, ऐसे होता है ना O स्टाइल से टीपो, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा बंध कोण न्यूनतम है, तो बंध कोण न्यूनतम कौन सा होगा कि अब देखो यहाँ पे ये क्या है सेंट्रल एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन बॉन्ड एंगल, बंध कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जो टेलुरियम है इसके साथ में ये जो हाइड्राइड बन रहा है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है कम है, क्योंकि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो बंध कोण का मान क्या होता है घटेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणता का मान भी क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कम होता है, इसलिए यहाँ पर बंध कोण सबसे कम किसका होगा H2Pe का होगा, ठीक है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रोजाना डेली टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस को जारी रखें, तैयारी जारी रखें, घर रहें स्वस्थ रहें, धन्यवाद।